Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So I Kanika and this is my YouTube channel. So अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक कमेंट. एक मैंने एक हॉस्टल टूर की वीडियो डाली थी और जब से मैंने वो वीडियो डाली तब से मुझे सेम रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरी हर एक वीडियो में अबाउट BSc नर्सिंग कोर्स फीस वगैरह वगैरह. तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी मैं ये डाउट क्लियर करूँ इस वीडियो में. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि व्हाट इज़ BSc नर्सिंग अबाउट कोर्स फीस जॉब स्कोप एनीथिंग इस वीडियो को पूरा देखना एंड स्किप मत करना. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. BSc नर्सिंग की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग. तो जैसे और कोर्सेज होते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं BCom, BSc, तो ये भी सेम अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो होता है 4 साल का. इसमें 3.5 की पढ़ाई होती है, मतलब 3.5 साल की पढ़ाई होती है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है जो अभी मेरी चल रही है. मतलब मैं इंटर्नशिप ड्यूटी कर रही हूँ आजकल. तो आप मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे होंगे तो आई बटन पर दिख रहा होगा, तो मेरे व्लॉग्स देखना इंटर्नशिप ड्यूटी के. और मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, मतलब मैं अभी हूँ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इन हल्द्वानी. तो मैं अभी हल्द्वानी में हूँ. तो आफ्टर 12th आप इसको भर सकते हो, मतलब जब आपका 12th कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको भर सकते हो और BSc नर्सिंग कर सकते हो. तो मैं अपनी बात बताती हूँ कि मतलब मैंने कैसे किया. तो क्योंकि आप बहुत पूछते हो कि 12th के बाद आपने क्या किया, वो जर्नी बताओ आप कि आप BSc में कैसे आए ये वो सब. तो मैंने 2017 में अपना 12th पास किया और उसी साल मैंने BSc नर्सिंग में एडमिशन लिया. तो जब मैंने 12th पास किया तो उस टाइम पे मई में आते हैं BSc नर्सिंग के पेपर आते हैं, फॉर्म आते हैं. तो मैंने उसको फिल किया, जून में हमारे पेपर हुए और जुलाई में हमारा रिज़ल्ट आया. तो सबसे पहले जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है. तो काउंसलिंग से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. तो उस टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी 500. तो मैंने फ़र्स्ट काउंसलिंग की और मैंने फ़र्स्ट स्टेट कॉलेज में भरा, मतलब देहरादून भरा. तो मुझे नहीं मिला क्योंकि जो टॉपर थे वो सारे सबसे पहले देहरादून जो स्टेट कॉलेज है नर्सिंग का वही फिल होता है, मतलब सबसे पहले बच्चे वहीं जाते हैं. तो वो फटाफट वो पूरा सीट भर गई थी तो एक भी सीट वैकेंट नहीं थी. तो मैंने फिर सेकंड काउंसलिंग की और हाँ, सेकंड काउंसलिंग में फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है, आप फर्स्ट में कर दिया तो हो जाता है. तो सेकंड काउंसलिंग की और सेकंड काउंसलिंग में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, मतलब मुझे थौरागढ़ कॉलेज मिल गया. बट अभी मैं हल्द्वानी में हूँ, मतलब हमारे कॉलेज साथ चलते हैं, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हल्द्वानी के कॉलेज साथ चलते हैं और हल्द्वानी में चलते हैं. तो मैं अभी हल्द्वानी में हूँ और यहीं से अपना BSc नर्सिंग कर रही हूँ और दिस इज़ माय लास्ट ईयर और इंटर्नशिप ड्यूटी चल रही है. यहाँ की फ़ीस है हॉस्टल की, मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो यहाँ की फ़ीस है 1800 पर ईयर. तो इट्स क्वाइट गुड. गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम होती है, ऑफकोर्स कम होती है प्राइवेट से. तो अच्छा है कि 1800 पर ईयर आपका हॉस्टल का फीस है. तो जो हमारे खाने की फ़ीस है, मतलब हम हॉस्टल में रहते तो ऑफकोर्स मेस हो गई, तो वो है 2400 पर मंथ. जो हमारी एजुकेशन है उसकी फ़ीस है 7,000 to 8,000. मतलब हम जब फर्स्ट ईयर में आए थे तब थे हमारे 9,000, फिर सेकंड ईयर में आए थोड़े कम हो के 8,000. तो जैसे जैसे हमारे ईयर बढ़ते हैं तो फीस थोड़ी कम कम होती रहती है. तो या तो लगभग हमको पूरे साल, अगर मैं पूरे साल बताऊं अपनी कि मुझे पूरे साल की कितनी पड़ती है, तो एक साल में 60,000 to 70,000 पड़ जाते हैं. मतलब मेरे कोर्स को BSc नर्सिंग को सब कुछ मिला के, उसमें मेस इंक्लूड है, उसमें हॉस्टल फीस इंक्लूड है और उसमें पढ़ाई इंक्लूड है, एग्जामिनेशन फ़ीस इंक्लूड है. तो ये सब करके मुझे 60,000 to 70,000 पर ईयर पड़ जाता है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो और अच्छी रैंक लाओ. तो आप जब अगर जो भी 12th में होंगे, जो भी सोच रहे होंगे BSc नर्सिंग करने का, तो आप वो कर सकते हो. और कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए आपके बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स. अगर ये तीनों सब्जेक्ट हैं आपके तो आप BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो. और 17 to 35 एज एलिजिबल है BSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए. और दिस इज़ टॉप 10 BSc नर्सिंग कॉलेज, आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो अगर आपको अच्छे से अच्छा, मतलब
यूनिवर्सिटी चाहिए और अच्छी से अच्छी पढ़ाई चाहिए तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। तो जैसे एम्स हो गया, एम्स के भी अलग फॉर्म आते हैं, अंडर ग्रेजुएट के मतलब बीएससी के लिए भी अलग फॉर्म आते हैं, एम्स होता है, एमएनएस होता है, ये सब अपने पेपर कराती है और आप वहाँ पेपर दे सकते हो और एडमिशन ले सकते हो अगर आप एलिजिबल हो उनके मेरिट लिस्ट में। ये रहा बीएससी नर्सिंग। और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो, तो आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो एज अ नर्स, तो जो आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो नर्स का काम क्या होता है, नर्स का काम होता है पेशेंट की केयर करना, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करना, मैनेजमेंट होता है जो हॉस्पिटल को होता है उसको संभालना, तो बहुत सारा काम है नर्स का। और होम केयर नर्स बन सकते हो, मैनेजर नर्स बन सकते हो और मिलिट्री सर्विसेज में आप सर्विस कर सकते हो। जितनी भी मिलिट्री होती है, जितनी भी होती है, मेरे मुंह में नहीं आ रहा, जैसे एयरफोर्स हो गया और आर्मी हो गया, तो इन सब में आप सर्विस कर सकते हो आफ्टर बीएससी। और आप स्कूल में भी पढ़ा सकते हो, जैसे हमको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी उन्होंने बीएससी कर रखी है और एमएससी कर रखी है, तो उसके बेस पे वो हमको पढ़ाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकते हो, मतलब जो कम्युनिटी एरिया में होते हैं नर्स वो बन सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, बाद आप एब्रॉड भी जा सकते हो, मतलब आइल्स का पेपर देकर आप उसमें अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको एब्रॉड जाने का मौका मिलेगा, जैसे यूनाइटेड, तो बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे नर्सिंग की बहुत डिमांड है, तो वहाँ की सैलरी भी अच्छी है और वहाँ का पैकेज भी अच्छा है। इंटरेस्टेड हो एब्रॉड जाने में तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप एब्रॉड जा सकते हो थ्रू आइल्स। बहुत ही स्कोप है बीएससी करने के बाद आपके पास। अबाउट सैलरी, तो सैलरी आपके अगर गवर्नमेंट में अलग होती है, प्राइवेट में अलग होती है। प्राइवेट में 20 से स्टार्ट हो जाती है प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में आपकी 30 से स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है जब आपकी पोस्ट बढ़ती रहती है, मतलब आपको जितने साल हो जाएंगे उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। 60-1 लाख तक आपकी सैलरी होगी गवर्नमेंट में अगर आप धीरे धीरे पोस्ट बढ़ेगी। तो बीएससी के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो और पीएचडी कर सकते हो। इन सब के बाद आपको अच्छी अच्छी जॉब मिलेंगी, एज अ प्रिंसिपल बन सकते हो बीएससी नर्सिंग कॉलेज में, एज अ ट्यूटर बन सकते हो, जो पढ़ाते हैं हमको वो बन सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दे दूंगी कि आप क्या क्या सर्विसेज हैं आफ्टर बीएससी और आफ्टर ग्रेजुएट के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज अपने एग्ज़ाम खुद कराते हैं, तो अगर आपको वहाँ एडमिशन लेना है तो वहाँ के आपको पेपर को क्वालिफाई करना है होता है क्वालिफाई करना होता है, तभी आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो। और तो इस साल 2021 में मुझे, मतलब अभी तक कोई बीएससी नर्सिंग की फॉर्म नहीं आई, ये अगस्त हो गया है, तो मे बी क्योंकि ऑर्डर निकला है कि नीट के थ्रू होंगे बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम, इसका मतलब आप 12th के बाद नीट का फॉर्म भरो, उसमें उसे मतलब एग्ज़ाम दो और मेरिट के बेस में आपका सिलेक्शन होगा, मतलब अलग अलग कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग में। तो अभी मुझे मेरिट का, काउंसलिंग का ये सब कुछ नहीं पता, क्योंकि ये अपडेट अभी थोड़ी टाइम पहले ही आई है अबाउट कि नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि हमारे टाइम पे ये होता है कि जब मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2017 में, उस टाइम पे हर स्टेट अपना अलग से फॉर्म निकालता है, मतलब कि बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म निकालता है और हर यूनिवर्सिटी अपने अपने फॉर्म निकालती है। तो इस साल मे बी नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, अभी कुछ क्लियर पता नहीं है, अभी तक तो यही न्यूज़ है कि नीट के थ्रू होगा। तो आप नीट ज़रूर भरना अगर बीएससी नर्सिंग करनी है, तो उसकी मेरिट पे आपका सिलेक्शन होगा, जो मुझे नहीं पता कि कितनी रैंक पे मतलब बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो और कितनी क्या क्या काउंसलिंग होगी। तो या ये इस साल की अपडेटेड न्यूज़ है। तो जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। और सो या दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी दी है मैंने, अपने तरफ से पूरा बेस्ट किया है मैंने। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट। आई होप इसके बाद आपको कोई भी
मतलब कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग, फीस, कोर्स, ये सब। तो यूथ बैंक।